अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 12। तो नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, मेरे हस्बैंड चले गए थे स्कूल, फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया। तो अभी मैंने सोचा कि मैंने जो कल का काम रहता है वो कर लूँ। मैंने यहाँ पे गिनकर हैंगर ना, मतलब 10 हैंगर हैं मेरे पास। वैसे तो बाकी कपड़े धोने वाले हैं, 10 हैंगर हैं मेरे पास। मैंने उतने ही अपने ड्रेस निकाल लिए हैं, मैंने अपने पूरे 10 सूट निकाल लिए हैं। सारे सूट मेरे नए हैं, तो बंदे को कहीं आना जाना पड़ जाता है। ये मेरा शादी का सूट है, मतलब शादी का सूट कह रही हूँ, शादी से पहले मैंने ये ड्रेस लिया था। बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये, पता नहीं ये किस ब्रांड से किसी से लिया था। तो ये मैंने शादी से एक बार पहले पहना था, और उसके बाद फिर मैंने शादी के बाद पहना है इसको एक बार शादी के बाद पहना है। तो मैं अपने जो है वो ये सारे नए कपड़े प्रेस कर लूँगी। ये मेरे दहेज का सूट है रेड कलर का, तो इसको भी प्रेस कर लूँगी। और भी कपड़े हैं, नहीं ये मेरे बड़ी का सूट था, ये मेरे दहेज का सूट है। ये मैं जब गई थी पहली बार गए थे शादी के बाद, अम्मी ने तब दिया था। ये भी मेरे दहेज का सूट है, दहेज का। ये सारे मैं प्रेस कर लूँगी, मतलब मैंने पूरे 10 सूट निकाल लिए हैं जितने मेरे हैंगर में आएंगे, क्योंकि बाकी तो वॉश करने वाले हैं। ये भी मैं सेट कर लूँगी, यहाँ पे सारे कपड़े जितने भी हैं मैं सेट कर लूँगी। अच्छा जी, तो मेरे पास ना कुछ दुपट्टे थे जो कि हम अपने 2-3 सूट के साथ मैच करके पहन सकते हैं, लाइक इस तरह के ना बड़े प्यारे प्यारे से काम वाले मेरे पास दुपट्टे हैं। इसको मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने इसको जोड़ के रखा था, ये बिखर जाते थे, मैंने इसको ना यूं कर लिया है। ये देखिए, इस पर भी बेल बनी हुई है मेरे को, ठीक है। मैंने इसको ना इन दुपट्टों को यूं करके रख लिया, ताकि यहीं से उठाएंगे और पहनेंगे। एक ये भी दुपट्टा है, काम वाला है। तो सिंपल सूट जो होते हैं ना 2-पीस, उनके साथ ऐसे दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, काम वाले। तो अभी मैं ना अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी, कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं उसको हैंग करूँगी। हैंग करने के बाद मैं करूँगी जी अपना ड्रेसिंग सेट करूँगी। तो चलते हैं, हम अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। तब तक, जब तक मैं कपड़े प्रेस करके आती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक आ सकें। ये देखो मेरा कारनामा, ये मैंने रात को अपना कारनामा अंजाम दिया है। जब सब सो जाते हैं ना, तब फिर मैं ऐसे खुराफाती चीज़ें करती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ना नेल्स पे मैंने 2 बार लगाया, पर ना कलर नहीं आया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट्स में आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। मेरी नानी सास कह रही थी कितने ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर वीडियो में उस तरह का हाथ नहीं आ रहा जिस तरह ये वाइट वाइट सा आ रहा है, और बहुत ही आप प्यारे लग रहे हैं मेरे हाथ मेरे को तो। अच्छा जी, अब हम कपड़े प्रेस कर लेते हैं अपने। मुझे ना अपने कपड़े जो है ना वो यहीं अपने रूम में बैठ के कपड़े प्रेस करना पसंद है। प्रेस हमारी हो गई है तैयार, अब हम करते हैं कपड़े प्रेस। तो कपड़े प्रेस मैं करने लगी थी, तो मेरी जेठानी ने कहा कि आप जो है मेरे साथ चले, अरशमान को जो है वो वैक्सीन करवानी है अरशमान की। तो फिर मैं उनके साथ चले गई थी, तो यहाँ पर अरशमान बेचारा बहुत रोया, पर तभी रोया था, उसके बाद फिर ये नहीं रोया ना, मतलब घर आकर फिर नॉर्मल हो गया था। तब तो ये बेचारा बहुत रोए जा रहा था, और हमें मुझे तर्स आ रहा था देख के इतना। मैंने बहुत ज़्यादा इसे स्लो कर दिया वीडियो को। तो फिर मैंने ना घर आकर मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे। आज तो मुझे बहुत टाइम लगा कपड़े प्रेस करने में, इतने ज़्यादा ऐसा लग रहा था, पता नहीं कितने कपड़े हैं। जब मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने कपड़े हैं और ये कब ख़त्म होंगे। तंग आ जाती हूँ मैं अपना काम करते हुए, यानी कि अपने कपड़े प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर सारे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, और ये सूट जो भी हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी सारे मेरे दहेज के हैं। 2 सूट जो मैंने पहले हैंग किए वो भी मेरे दहेज के हैं। ये भी मेरे दहेज का सूट है, ये मेरा बहुत ज़्यादा ना फेवरेट ड्रेस है, ये मैंने ख़ुद बनवाया था। इस पर ये बंचेज़ वगैरह सब लगवाए थे कढ़ाई के साथ, कलर भी मेरा फेवरेट है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था, ये भी मेरे दहेज का सूट है। मैं एक एक करके ना सारे कपड़े जो हैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। आज मुझे मेहनत तो थोड़ी लगी है, पर ये होगा कि मुझे अब जो कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे कोई ज़्यादा नहीं होंगे, कोई 2 से 3 सूट होंगे या 4 होंगे, चाहे या 5 कह लें हफ्ते के, क्योंकि हफ्ते बाद मशीन लग जाती है, तो ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। जो मेरी इस तरह के कपड़े हैं ना सारे मैंने प्रेस कर लें। अच्छा, जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो
पैगाम मिला हमें कि आज हमारी दावत है फूफो के घर पे, यानी कि अदनान की फूफो के घर पे, मेरे हस्बैंड के फूफो के घर पे हमारी दावत थी। सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरी जुठानी की भी फिर की थी उन्होंने, पूरे घर वालों की ही सबकी ही दावत की थी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा सारे ड्रेसेस जो हैं मैंने रख दी हैं, ऊपर से गर्मी है, मैं क्या पहन के जाऊँ। मेरा यही था कि मैं कोई लॉन का सूट पहन जाऊँ, बट फिर बात वही नहीं, कोई आप दूसरा सूट पहन के जाओ। तो फिर यहाँ पे डिसाइड ही नहीं पहले हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो पहले मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये काम जो है ना सबसे पहले है कि मुझे ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरे मेरे कपड़े पहनने वाले थे ना वो मैंने रख लिए, दुपट्टे वगैरह कुछ यहाँ पे रख लिए थे, और बाकी जो है वो घर में पहनने के लिए यहाँ पर सारे कपड़े मैंने अपने हैंग कर लिए थे। फिर उसके बाद बारी रहती है दूसरे साइड की, वहाँ पर मैंने क्या किया है, वहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है सारा कुछ। मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, इसका कोई ख़ास नहीं थी बनाऊँ वीडियो। यहाँ पे नीचे सारी चित्रें वगैरह रखी हुई थी वॉश करके, और ऊपर मेरे हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह और पैंट वगैरह, इसकी कोई ना वो नहीं रहती है, सेटिंग नहीं रहती इसको, इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं। और यहाँ पर मैंने अपने अनस्टिच कपड़े रखे हैं, यहाँ पर मैंने अपने अबाए वगैरह और चादरें वगैरह यहाँ पर रख दी हैं। फिर और ये मैं अबाया पहन के गई थी तो अभी बाहर ही पड़ा हुआ था, वो भी मैंने तह लगा दिया, तय लगा के इसको फिर रख दूँगी। और इसके नीचे वाली मैंने रखी अपनी सारे जूते वगैरह रखे, क्योंकि बाहर कहीं जगह नहीं थी, तो फिर मैंने अलमारी के अंदर ही रख दिए थे, क्योंकि बाहर ऐसे हवार, उससे बेहतर है कि मैं अंदर ही रख दूँ इसे, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि बहुत काम हो चुका है, मैं थक चुकी थी कपड़े प्रेस कर कर के, तो पता नहीं क्यों आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं करता है काम करने को, भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कोई मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँ। मैंने तो वीडियोस भी नहीं बनाई मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए। रूम की मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, मेरी ड्रेसिंग की रहती थी थोड़ी सी सेटिंग, मैंने सोचा कि आज मैंने फिर बाहर जाना तैयार श्यार होकर, तो इसलिए फिर वही हाल हो जाएगा, फिर वही सारा मैस हो जाएगा ड्रेसिंग में। तो आज क्या मैं करती हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम था, और इसलिए मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं सही से किया था, मैंने सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता किया था, फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया। मुझे पता नहीं चला कब लेटे लेटे मुझे नींद आ गई, फिर जब मेरी आँख खुली तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेज़ और कुरकरे वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि मेरी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है, अब शुक्र अल्लाह का मेडिसिन से जान छूट गई है। तो लेज़ वगैरह मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे कि आप चलो ये खा लो थोड़ा बहुत, शाम को तो वैसे भी हम लोगों ने दावत पर जाना है। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने बहुत टाइम बाद मैंने लेज़ और कुरकरे वगैरह खाए, वरना मोस्टली मुझे दिन में तो मैं खाती खाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी आदत हो चुकी थी लेज़ और कुरकरे और चटपटी चीज़ें ऐसी। फिर मैंने रेस्ट किया उसके बाद, फिर उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने जामे शीरी पिया। मेरे हस्बैंड अब स्कूल जाते हैं ना, तो वहाँ से मेरे लिए दूध लेकर आते हैं, तो हम लोग जो है वो शाम में जामे शीरी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं, मैं आज अपने रूम से ज़्यादा बाहर ही नहीं निकली थी, फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए दूध बना लिया, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी, यानी कि मगरिब होने वाली थी। उसके बाद फिर ना ड्रेस की सिलेक्शन कर रही थी कि मैं क्या पहनूँ, मुझे तो ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगता है जैकार्ड का, और ये बहुत डिसेंट सा बहुत ही सिंपल सा है, पर बात वहीं आ जाती है, नहीं ये सिंपल है, ये नहीं पहनना, दूसरा पहनो ये वो। फिर मेरी नंदो ने बोला, मजाक कर रही थी, नहीं नहीं इससे बेहतर है घर वालों को ही पहन जाओ, ये नहीं पहनने सिंपल ड्रेस। मैंने ये ब्लैक निकाला था अपने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहने हुए। फिर उसके बाद ये ड्रेस जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, बट मैंने शादी से पहले से पहना ही नहीं था, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो फिर मैंने शादी के बाद इसे एक बार पहना था, और अब इसे मैं आज पहन रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखाना चाह रही थी कि रेडी टू वेयर इन्होंने लिया था, फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ गिफ्ट किया था, मतलब ये ड्रेस और खुसा वगैरह, चूड़ियाँ, परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ। फिर ड्रेस की फाइनली सिलेक्शन हो चुकी थी, क्योंकि लेट बहुत हो चुका था, और वहाँ से कॉल भी आ चुकी थी कि आप लोग आ जाएं। और ये ड्रेस जो है ना, ये सूट मेरे हस्बैंड का, ये मैंने इनके लिए लिया था, मतलब शादी के लिए इनके लिए ड्रेस लिया था, अपने दहेज में मैंने कपड़े ऐड किए थे, तो ये मैंने फैसलाबाद से लिया था। ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग थी, मतलब मुझे मेल के लिए कुछ भी ऐसी शॉपिंग वगैरह जेंट्स की नहीं मुझे करनी आती थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की थी, और फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने बहनोई के लिए। फिर मैंने ड्रेसेस लिए थे अपनी सिस्टर वालों के लिए, ड्रेसेस लिए थे। फिर उसके बाद जी ये स्कूल जाते हैं, तो इनका जो है ना
स्किन टैन जो है बहुत ज़्यादा ना हो जाता है, इनकी जो फेस कलर है ना बहुत ज़्यादा डल होता है। अगर ये घर पे रहते हैं तो इनका कलर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, और अगर ये बाहर जाते हैं कोई एक दो घंटे के लिए भी ये बाहर जाए ना तो इनकी ये हालत हो जाती है कि इनका फेस जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एकदम ब्लैक हो गया, जल गया है। इनके फेस की बनस्पत इनका बॉडी कलर बहुत फेयर है, बट इनकी स्किन ऐसी है कि इनके सिर्फ हाथ उठने और फेस जो हैं और पाँव ये बहुत ज़्यादा ना ब्लैक हो जाते हैं अजीब ही तरह के। फिर मैंने यहाँ पे वाइप्स लिया था, इससे मैं क्या करूँगी, इससे मैं ना अपनी गर्दन से ना अच्छे से ना अपनी गर्दन को साफ़ करूँगी कि जितनी भी मैल कुचैल होती है ना इससे बहुत अच्छे से रिमूव होती है। चाहे आप शावर ले लो फिर भी ये यूज़ करेंगे ना आप, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। फिर यहाँ पे ना मेरे जूते की सिलेक्शन नहीं हो रही थी, मैं क्या पहनूँ। ये जूता जो है ना मैंने आपको जो स्किन कलर का नज़र आ रहा है ये मैंने अपनी शादी के लिए लिया था, अपने दहेज में ही बनाया था, और दूसरा मैंने ईद पर लिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके साथ कौन सा पहनूँ, इसके साथ हील भी थी और खुस्सा भी था, बट मैंने क्या किया फिर मैंने जो है वो दूसरा जूता बटरफ्लाई वाला सेलेक्ट किया था, फिर इसको रहने दिया था। ये जूता मैंने जितनी बार भी पहनने की कोशिश की है ना, दूसरा स्किन वाला ये स्लीपर मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ, किसी भी ड्रेस के साथ ही जा नहीं रहा। वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बट मुझे किसी की किसी ड्रेस के साथ ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको पहनूँ। फिर मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी और नेल पॉलिश लगा ली थी, फिर दूसरे हाथ में भी इस तरह की सिल्वर चूड़ियाँ पहनी थी और मेहंदी मैंने रात ही लगा ली थी, और फिर मैंने थोड़ी सी नेल पॉलिश लगा ली थी क्योंकि मैंने नाखूनों पे भी लगाया था मेहंदी लगाई थी पर वो अच्छा कलर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने हील भी पहन के देखी क्योंकि जब मैं वो जूता पहन कर बाहर गई थी तो मेरी नन कहती नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा आप चेंज कर लें। ज़ाहिर है सुननी पड़ती है सबकी, ये नहीं है कि किसी की पसंद का पहनना पड़ता। फिर मैंने खुद ट्राई करके देखा, मैंने कहा चलो हील पहन के देखती हूँ, बट आई हेट हील्स, मुझे हील्स नहीं पसंद है। मेरी हील्स हैं शादी की पर इतनी ख़ास नहीं पहनती हूँ, तो मैं ज़्यादातर स्लिपर पहनना ही पसंद करती हूँ। बस मैंने इसे ट्राई किया, ट्राई करके मैं थोड़ा सा चल के देखा, मुझे मतलब अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, फिर मैंने ये भी रिमूव कर दिया। फिर मैंने अपनी हील रिमूव कर दी थी, फिर मैंने पहना था खुस्सा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, अच्छी ये भी लग रही थी पर मेरे दिल को अच्छी नहीं लगती थी। तो ये मेरी ऑल ओवर लुक है, और मैंने यहाँ पे जूतों के डब्बे सारे निकाल के रखे हुए थे क्योंकि मुझे वो ब्लैक वाले खुस्सा नहीं मिल रहा था। तो इसे मैं जो ऐसे ही सामान सारा फेंक के चले जाती हूँ, फिर जब वापस आऊँगी फिर आकर मैं इसको सेट करूँगी। अच्छा, फिर मैंने ये खुस्से पहने थे, ये खुस्से जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे मेरी फर्स्ट मतलब मेरी बर्थडे पर शादी से पहले। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो चुकी थी, हम लोग जब जाने लगे थे तो तब मैंने ये लास्ट मोमेंट पे वीडियो थोड़ी सी बनाई थी। हम लोग बहुत जल्दी में तैयार हुए थे, सभी लोग पहले सब लोग बैठे रहते हैं जब जाने का टाइम होता है, बस फिर तैयारी करना शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, हम लोग पैदल ही गए थे, साथ में ही मतलब घर था पोपो का घर ना। फिर यहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे ही थे, थोड़ी देर तक भी खाना हमारा मतलब उन्होंने लगा दिया था जाते ही हमारे, और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएं, फिर हम लोग खाना खाते हैं। खाना अच्छा था माशाल्लाह से, पर मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे सब मतलब बड़े बड़े थे, यानी कि फुप्पड़ जी पो और इनके बड़े बड़े जो कज़न्स, और फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ये वीडियो क्लिप भी मेरी ना नन ने बनाया था, वो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कहा कि तुम मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो फिर ये वीडियो क्लिप जो है मेरे पास रहेगा। दूसरा ये कि फिर जब हम खाना खा रहे थे मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की प्लेट बनाई थी। प्लेट बनाना सबसे बेस्ट रहता है, मैं कहती हूँ बार बार किसी से कहना ये दो या हमें वो दो। फिर हम लोगों ने लास्ट में खाया था हलवा, ये हलवा मुझे बहुत पसंद आया था। और उसके खाना पीना जब हो गया था ना उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक कर रही थी क्योंकि नीचे बैठ के खाया था खाना तो थोड़ी सी थकन सी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर लूँ। वॉक करने के बाद ना मेरे हस्बैंड आए, कहने लगे कि आओ चलें हम लोग ना छत से घूम कर आते हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, तो फिर आगे आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ये छत पर मुझे लेकर तो गए, फिर उन्होंने मेरे साथ क्या सीन किया, इन्होंने क्या किया कि वहाँ जाकर मुझे अच्छा खासा डराया। अब आप लोग खुद ही देखना हमारी गपशप देखना, इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे थे फिर आगे जाकर इन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पर बहुत डराया था। यार ये तो वाकई में बहुत ही है, ये ऊपर छत को जाते हैं, हमें नहीं आना चाहिए था इधर। बाहर चलिए यहाँ पर देखें क्या है, मुझे ऊपर नहीं लेके जाना, पागल हो गया आप। मैं ऊपर ऊपर कौन सा कोई है नहीं, कौन है ऊपर, सारे ऊपर है, बच रहा है इधर है नहीं, अभी राधे नीचे है, इधर उनका बाबा उनकी बेबे ऊपर जो है इधर आए, सारा सन्नाटा हो गया, सब लोग सो रहे हैं।
चलो। अदनान मुझे डराए नहीं आ, बदरूहें करके मैंने ब्लैक जोड़ा पहने आज तो। क्यों यहाँ पे कोई है? ऊपर कहाँ लेके जा रहे मुझे? अदनान मैं नहीं जाऊंगी ऊपर, मुझे नहीं जाना ऊपर। ऊपर आंटी ने बोला था ऊपर नहीं जाना। किसने बोला? वो बताया नहीं था स्टोरी। कौन सी स्टोरी? वो जो इनके कमरे में थी। ये वो भी है। वो फिलहाल